हेलो एवरीवन, आज के वीडियो लेक्चर में हम ओबेलिया के अंदर जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। बेसिक हम पढ़ेंगे, ओबेलिया के अंदर हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। ओबेलिया के अंदर दो स्टेजेस पाए जाते हैं, एसेक्सुअल फेज और सेक्सुअल फेज, पॉलिप और मेड्यूसा, ये दो फेज पाए जाते हैं, जिसमें पॉलिप जो होता है वो एसेक्सुअल फेज होता है और मेड्यूसा जो होता है वो सेक्सुअल फेज होता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ डिस्कशन हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में किया था, बट आज के वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे पॉलिप और मेडुसा फेज में क्या डिफरेंसेस होते हैं, मतलब एसेक्सुअल फेज और सेक्सुअल फेज में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। अच्छा, ऑर्गेनिज्म ये एक ही है, हाँ, ओबेलिया, बट इसका जो लाइफ साइकिल है इसमें दो फेज आते हैं। एक ही ऑर्गेनिज्म है बट लाइफ साइकिल में दो फेज आते हैं, तो वो दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म की तरह एक्ट करता है। एक एसेक्सुअल फेज होता है जो कि पॉलिप फेज होता है, एक फेज होता है मेड्यूसा का, ठीक है। तो ये अल्टरनेट होता रहता है, एक जनरेशन में वो पॉलिप होता है, अगले जनरेशन में वो मेड्यूसा होता है, देन पॉलिप देन मेड्यूसा, इस तरह से ये जो फेज चलता रहता है इसको हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ओके, सो यहाँ पे पॉलिप और मेड्यूसा इनके बारे में हम थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन देखेंगे, क्या डिफरेंस है। एक तो हो गया आपका पॉलिप फेज, दूसरा बारे में देखते हैं पॉलिप और मेड्यूसा क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले बात करें पॉलिप की, तो ये फिक्स्ड रहते हैं, फिक्स्ड मतलब एक जगह पर रेयरली मूव करते हैं, बहुत रेयरली मूव करते हैं या बहुत रेयरली फ्री रहते हैं। दे आर फिक्स्ड एंड रेयरली फ्री, फ्री नहीं रहते, एक जगह फिक्स रहते हैं, पर्टिकुलर सतह पे, एक सरफेस पे फिक्स है। वहीं अगर मेडुसा फेज की बात करें तो ये जो है फ्री स्विमिंग रहते हैं, मेडुसा फेज की बात करें तो ये फ्री स्विमिंग रहते हैं, तो ये हो गया फिक्स और बहुत रेयरली फ्री रहते हैं, एक पर्टिकुलर सरफेस पे जुड़े हुए रहते हैं और ये फ्री स्विमिंग होते हैं, स्विम करते हैं, मोबाइल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बात करें तो जो बॉडी है वो सिलेंड्रिकली इलोंगेटेड होती है, बॉडी सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकली इलोंगेटेड, सिलेंड्रिकल शेप की होती है और इलोंगेटेड होती है, लंबी होती है, ठीक है। अब मेडिसिन की बात करें तो बॉडी जो है वो सॉफ्ट शेप की होती है, लंबी लगा रहता है, बॉडी जो है अम्ब्रेला की तरह रहती है, ऊपर से टोम शेप अम्ब्रेला की तरह बॉडी, ठीक। उसके बाद अगर बात करें बेस जो है शरीर का, जो बेस वो पॉलिप के केस में मैं बात कर रहा हूँ, पॉलिप के केस में शरीर का जो बेस होता है वो सरफेस से जुड़ा हुआ रहता है, शरीर का जो बेस है वो सरफेस से जुड़ा हुआ रहता है, इस कारण से जो उनके शरीर के मेलिब्रियम है वो ऊपर की तरफ रहता है। अब इसको आप अच्छे से समझना चाहिए, बेस अटैच टू द सरफेस, बेस जो है अटैच होता है सरफेस से, नीचे की तरफ अटैच होता है, बिलो टू दैट मेलिब्रियम बेस जो है वो नीचे की तरफ रहता है, इस कारण से जो मेनुब्रियम है, मेनुब्रियम क्या है, जो भोजन करता है ओबेलिया, तो भोजन करने के बाद माउथ की कैविटी के बाद जो भोजन है वो जाता है मेनुब्रियम के पास, तो माउथ से जस्ट नीचे वाला जो पोर्शन है वो है मेनुब्रियम, ठीक है। तो बेस नीचे होने के कारण मेनुब्रियम ऊपर की तरफ रहता है, यहाँ पे ठीक इसका उल्टा होगा, बेस ऊपर की तरफ होगा जिस कारण से मेनुब्रियम जो है नीचे की तरफ होगा, बेस डाउनवर्ड्स होगा या बेस बेस अबव होगा, सो दैट बेस
डाउन वन, एनोप्लेम जो है बेस जो है ऊपर की तरफ होगा, इस तरह से एनोप्लेम जो है नीचे की तरफ रहेगा। यहाँ पे बेस नीचे की तरफ तो एनोप्लेम ऊपर की तरफ, वहां पे बेस ऊपर की तरफ तो एनोप्लेम नीचे की तरफ। फिर बात करते हैं टेक्निकल से, टेक्निकल पॉलिप फेज में प्रेजेंट होते हैं अप्रॉक्स 24 टेंटिकल्स के अप्रॉक्स प्रेजेंट रहते हैं। वही केस अगर मेड्यूसा की बात करें तो यहाँ पे 16 के आसपास टेंटिकल्स मौजूद रहते हैं। ये टेंटिकल्स का काम क्या होता है, फूड कैप्चरिंग में हेल्प करना, फूड को कैप्चर करने में हेल्प करना, ठीक है। टेंटिकल जो असिस्ट करते हैं कैप्चरिंग प्ले, और सर्टोरियल होते हैं। टेंटिकल जो होते हैं वो सर्टोरियल होते हैं, मतलब सरफेस से अटैच करने के लिए एक ऐसा ऑर्गन चाहिए जो कि सब कर सके, ठीक है, एक वैक्यूम क्रिएट कर सके, तो ये सर्टोरियल होते हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें तो मीजोगिया जो है क्वालिटी केस में बहुत पोअरली डेवलप होता है। मीजोगिया क्या है, अब यहाँ पे जो जर्म लेयर्स हैं वो दो हैं, एक्टोडर्म है और एंडोडर्म है। इन दोनों के बीच में जोड़ने के लिए पतली सी जेल की तरह लेयर होती है जिसको हम यहाँ मीजोगिया कहते हैं, ठीक है। तो मीजोगिया बहुत कम डेवलप होती है, और यहाँ पे बात करें अगर मेड्यूसा के केस में तो मीजोगिया जो है वह डेवलप होती है। बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहता है, और जो नर्वस सिस्टम और मसल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा वेल डेवलप होते हैं मेड्यूसा फेज में, सेक्सुअल फेज में, ठीक। उसके बाद बात करें तो वेलम जो है वो यहाँ एब्सेंट रहता है, यहाँ प्रेजेंट रहता है। वेलम क्या होता है, वेलम जो होता है वो पर्टिकुलरली यहाँ पे थिन सी कवरिंग है, एक पतला सा मेम्ब्रेन है, इसको हम वेलम कहते हैं। कई प्रकार के बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको कवर करने के काम आता है, कई प्रकार की ओपनिंग्स हैं जिसको कवर करके रहता है, ठीक है। तो वेलम जो है यहाँ पे एब्सेंट है, इतना जो आपने लिख लिया होगा इसमें ऊपर लिखता हूँ जरा, ठीक
एक ही चीज़ें देखी, 8 points लिख लिया आपने। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो होगी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी एलिमेंट्री कैनाल में जो कैविटी वो है काफ़ी सिंपल होगी। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इज वेरी सिंपल, और यहाँ पे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स पाए जाएंगे, स्टमक पाया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ और, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी सिंपल विदाउट रेडियल एंड सर्कुलर रेडियल कैनाल और सर्कुलर कैनाल जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगे। रेडियल कैनाल जो है एक सिलिकेटेड ट्यूब का स्ट्रक्चर रहता है, कैनाल रहता है, और जो सर्कुलर कैनाल है ये भी एक कैनाल सिस्टम रहता है जिससे चीज़ें पास करती हैं, ये मार्जिन के पास मौजूद रहता है सर्कुलर कैनाल, बट पॉलीफेज में ये दोनों एब्सेंट रहते हैं। मेडिसा की बात करें तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कॉम्प्लेक्स होता है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इट कंसिस्ट ऑफ स्टमक, रिप्रेजेंटेड बाय स्टमक, स्टमक मौजूद रहता है, ठीक है। और उसके अलावा रेडियल कैनाल और सर्कुलर कैनाल जो है मौजूद रहते हैं, ठीक है। चार रेडियल कैनाल और एक सर्कुलर कैनाल। यहाँ पे सेंस ऑर्गन प्रेजेंट रहेगा स्टेटोसिस्ट के फॉर्म में, स्टेटोसिस्ट के बारे में ऑलरेडी पढ़ा था, स्टेटोसिस्ट के फॉर्म में सेंस ऑर्गन मौजूद रहेगा। पॉलीफेज में गोनेड्स भी मौजूद रहेंगे, मेडिसिन फेज में चार गोनेड्स मौजूद रहते हैं। आज के वीडियो को हम यहाँ पर कवर करते हैं। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ
भी होंगी। पॉलिप और मेडिसिन के बीच में अगर डिफरेंसेस आएंगे तो आप बता पाओगे, और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में भी काफ़ी पॉइंट्स आप लिख पाओगे। अगले वीडियो लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।